हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास वन एक्सरसाइज नंबर वन जो कि आप पढ़ रहे हैं नंबर्स 1-9, इसी एक्सरसाइज का अगला एसएससी और से जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और इसको आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। आप पिछले क्लास में भी इसको पढ़े होंगे, समझे होंगे, एक बार पुनः यहाँ देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर ए जो है लिखा है व्हाट कम्स बिफोर। बिफोर मीन्स होता है पहले, कम्स मीन्स आना, व्हाट मीन्स क्या, मतलब इसके पहले क्या आता है। ये जो नंबर लिखा है इस नंबर के पहले कौन सा नंबर आता है, व्हाट कम्स बिफोर, मतलब 9 के बिफोर में कौन सा नंबर आता है, इसको आप यहाँ ठीक करेंगे। एक बार पुनः आप जानेंगे कि बिफोर का मतलब होता है पहले का नंबर। जैसे आप काउंट करेंगे, काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 यहाँ लिखा है, तो 9 से पहले आपने क्या काउंट किया, 8 काउंट किया, तो आप यहाँ 8 फिल कर देंगे। ये आपका 8 जो है बिफोर नंबर हो जाएगा 9 का, मतलब 9 का बिफोर नंबर 8। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे, 10 का बिफोर नंबर क्या होगा, मतलब 10 से पहले कौन सा नंबर आता है, तो आप काउंट करेंगे तो पाएंगे 9, क्योंकि 9 के आफ्टर में 10 आता है। जैसे यहाँ 8 के आफ्टर में 9 आता है और 9 के बिफोर में 8 आता है, उसी प्रकार यहाँ पर 9 जो है बिफोर नंबर हो जाएगा 10 का, क्योंकि 10 से पहले 9 आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सी। अब यहाँ क्या है, 18 के बिफोर नंबर क्या होगा। अब ये देखिए थोड़ा सा बड़ा है तो इसको आप जब काउंट करेंगे तो आप को समझ में आ जाएगा कि 18 से पहले कौन सा नंबर आता है। तो आप देखिए 17 के बाद 18 आता है, 17 के बाद क्या आता है, 18, तो यहाँ पर 17 आप फिल करेंगे। आपके बुक में जो है 1-9, मतलब 1 से लेकर 9 तक का नंबर दिया है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं बढ़ा दिया हूँ, लेकिन आप टोटल एक्सरसाइज आप करेंगे बुक से। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट कम्स आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आफ्टर का मतलब आप जान ही रहे हैं कि बाद में होता है, मतलब 7 के बाद में कौन सा नंबर आता है, व्हाट कम्स नंबर 7, मतलब 7 के बाद में कौन सा नंबर आता है। हम जब काउंटिंग करते हैं नंबर को तो 7 के बाद कौन से नंबर को आप काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो देखिए आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद 8 आता है, तो आप यहाँ 8 लिखेंगे। आफ्टर का मतलब होता है बाद, बाद का नंबर, 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, तो आप 8 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 8 ऐड कर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी इसी का देखेंगे, 8 के आफ्टर क्या आता है, 8 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो 8 के बाद आप काउंट करेंगे तो पाएंगे कि 8 के बाद हम कौन सा नंबर गिनते आए, 9, तो यहाँ 9 फिल कर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर सी आएंगे, आप देखेंगे 13 के बाद आप कौन सा नंबर काउंट करते हैं, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 13।
कि बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद, मतलब पहले का नंबर और आफ्टर का मतलब बाद का नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर सी पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सी आप देखेंगे, व्हाट कम्स बिटवीन, मतलब ये दो नंबर यहां दिया हुआ है 5 और 7, इन दोनों नंबर के बिटवीन का मतलब होता है बीच में, दोनों नंबर के बीच में कौन सा नंबर आता है आपको ये देखना है। जैसे यहां लिखा है 5 एंड 7, 5 एंड 7 के बिटवीन कौन सा नंबर आएगा, तो 5 के बाद मतलब आफ्टर जो नंबर आएगा वही 7 के बिफोर नंबर आएगा, और वही नंबर जो है 5 और 7 के बिटवीन नंबर हो जाएगा। तो 5 के ये जो 5 है नंबर, इसके आफ्टर कौन सा नंबर आता है 6, और 7 के बिफोर कौन सा नंबर आता है 6। तो ये जो 6 नंबर आया ये 5 एंड 7 के बिटवीन का नंबर हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है 5 6 7, आपको इसको एकदम सीरियस मिलेगा 5 6 7। उसी प्रकार से यहाँ भी आप कर सकते हैं 9 10 11, 9 10 11, तो यहाँ पर आप 10 फिट कर देंगे, मतलब 9 और 11 के बिटवीन में 10 आएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सी 12 30 40, तो यहाँ पर 30 फिट करेंगे, क्यों, क्योंकि 12 एंड 40 के बिटवीन में जो नंबर आएगा वो आपका 13 आएगा। और अभी बताया मैंने कि इसको आप जब तीनों नंबर को सीरियस पढ़ेंगे तो ये सीरियस आएगा, जैसे 5 6 7 9 10 11 12 13 14, आपको कभी भी इसको करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप स्वयं इसको कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, आप यहां देखेंगे राइट द प्रेडिसेसर नंबर, प्रेडिसेसर का मतलब होता है कोई भी नंबर रहेगा तो उसमें से 1 माइनस करना, प्रेडिसेसर और बिफोर सेम होता है, प्रेडिसेसर और जस्ट बिफोर सेम होता है, मतलब 1 माइनस करना, 6 में से 1 माइनस करेंगे, ठीक है 1 इसको घटा देंगे, ठीक। इसका कहना है मतलब 6 से पहले जो नंबर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा प्रेडिसेसर, तो 1 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा भाई 5, तो यहाँ हम 5 फिट करेंगे। अब 10 से पहले कौन सा नंबर आएगा, 10 में से 1 माइनस कर देंगे, 1 लेस कर देंगे तो क्या आएगा 9, 10 में से 1 लेस कर देंगे तो 9 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे 13 है, 13 में से 1 लेस करेंगे, 1 लेस का मतलब 1 माइनस करना है, 1 कम करना है, तो 13 से 1 लेस क्या हो जाएगा 12, यहाँ 12 लिख देंगे। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेडिसेसर का मतलब होता है बिफोर नंबर, जस्ट बिफोर नंबर, तुरंत पहले आने वाली नंबर जो होती है, संख्या होती है, उसको हम प्रेडिसेसर बोलते हैं। प्रेडिसेसर का मतलब होता है किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर आपको निकालना है तो उस नंबर में से, जिस नंबर का प्रेडिसेसर पूछ रहा है उस नंबर में से 1 लेस कर दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए, तो आपको उस नंबर का प्रेडिसेसर मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, राइट द सक्सेसर नंबर, आपको दिख रहा है मेरे को सक्सेसर का मतलब होता है वन मोर करना है, मतलब वन मोर का मतलब जस्ट आफ्टर जो नंबर दिया जाता है, जस्ट आफ्टर आने वाला नंबर आपका सक्सेसर नंबर कहलाएगा, मतलब वन मोर। 9 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है 10, या 9 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 10, तो इस प्रकार से 9 का सक्सेसर नंबर 10 हो गया। उसी प्रकार से 8 का सक्सेसर नंबर आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस करेंगे तो 9, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ मिस्टेक हो गया है, इसको आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ पेपर साफ कर लेंगे। 15 का सक्सेसर नंबर आपका क्या आ जाएगा, तो 6।
सम इक्वल 9, 15 का सक्सेसिव नंबर 15 प्लस 1 इक्वल 16। इस प्रकार से आज आपने सीखा बिफोर, व्हाट कम्स बिफोर नंबर, व्हाट कम्स आफ्टर नंबर, व्हाट कम्स बिटवीन, राइट द प्रेडिसेसर नंबर और राइट द सक्सेसिव नंबर। इस प्रकार से आप अपने बुक से ऐसे सेल से ए बी सी डी ई और उसके बाद उसके नीचे आपको टेस्ट एरेना दिया हुआ है, अपने से आपको उसको करना है। इसमें भी सारे क्वेश्चन है। अब आपका एक्सरसाइज 1 आज इंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अगले दिन अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एडिशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।